तमन्ना भाटिया को समन भेजा है। मामला 2023 में महादेव ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग ऐप से संबंधित फेयर प्ले ऐप पर आईपीएल मैच देखने का प्रमोशन करने से जुड़ा हुआ है। एक्ट्रेस को 29 अप्रैल को महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। साइबर सेल के मुताबिक इस मामले में तमन्ना का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्ट्रेस से पूछा जाएगा कि उन्हें फेयर प्ले के लिए किसने संपर्क किया था और इसके लिए उन्हें कितने पैसे मिले। एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी है। तमन्ना भाटिया से पहले 23 अप्रैल को एक्टर संजय दत्त को भी इस मामले में समन भेजा गया था। संजय को जब इस मामले में तलब किया गया तो एक्टर ने कहा कि वो इस वक्त मुंबई में नहीं हैं और दी गई तारीख पर पेश नहीं हो सकते हैं। उन्होंने अपना बयान दर्ज करने के लिए तारीख और समय मांगा है। इससे पहले इसी मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने सिंगर बादशाह, संजय दत्त और जैकलीन फर्नांडिस के मैनेजरों के बयान दर्ज किए थे। ये तीनों स्लैब्स फेयर प्ले ऐप का प्रमोशन करते आए हैं। महादेव ऐप अवैध लेन देन और सट्टेबाजी को लेकर विभिन्न जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में है। फरवरी 2023 में यूएई के शहर रास अल खेमा में हुई एक आलिशान शादी में बॉलीवुड से टाइगर श्रॉफ और नेहा कक्कर समेत कई स्लैब्स परफॉर्म करने पहुंचे थे। इसलिए इस शादी में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हुए और पूरा पेमेंट हवाला या कैश में किया गया। ये शादी थी छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले 28 साल के सौरभ चंद्राकर की। इस शादी के बाद सौरभ और उनका महादेव बैटिंग ऐप जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया। इसी मामले में बाद में ईडी ने रणबीर कपूर और कपिल शर्मा जैसे सेलिब्रिटीज़ को भी समन भेजा। अब तक इस केस में दर्जनों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का नाम सामने आ चुका है। इसी के साथ बने रहिए के साथ।